विधायकों की अनदेखी करना अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायकों की अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा के पैटर्न पर विशेष कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन और साथ ही सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के अवमानना व्यवहार की जांच के बाद में कार्रवाई की सिफारिश करेगी। असीम गोयल को कमेटी का अध्यक्ष और भारत भूषण बत्रा, प्रमोद विज, मोहनलाल बडोली और साथ ही जोगीराम सिहाग, इनके साथ साथ नरेंद्र गुप्ता, नयनपाल रावत, रेणु बाला को बतौर सदस्य बनाया गया है। अधिकारियों की बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से। देखिए, विधानसभा में पहली बार प्रोटोकॉल कमेटी का गठन किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, इनसे जानते हैं कि विधानसभा का इसके पीछे उद्देश्य क्या है। देखिए अनिल जी, हमारा जो विधानसभा का संविधान है या नियम है, उसके अंदर ये व्यवस्था है कि जो सम्माननीय हमारे विधायक हैं उनका मान सम्मान बड़ा रहे और प्रोटोकॉल फॉलो हो, उसके लिए कमेटी का गठन किया जा सकता है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो कमेटी कंटेम्पटियस बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर्स एंड प्रोटोकॉल मेंटेनेंस कमेटी जो हमने बनाई है, इसका उद्देश्य यही है कि विधायकों का, चुने हुए प्रतिनिधियों का मान सम्मान बना रहे और उसके लिए कहीं भी जिस प्रकार की जो पीछे शिकायतें आई, उन शिकायतों को लेकर के कार्रवाई भी हमने की है, लेकिन जो प्रिविलेज का मामला जब आता है, प्रिविलेज कमेटी के अंदर भेजते हैं तो वो एक लंबा प्रोसेस रहता है। इस कमेटी के अंदर जो भी कोई शिकायत है वो सेक्रेटरी विधानसभा के पास भेजनी होगी, सेक्रेटरी विधानसभा फिर मेरे पास भेजेगा और उसके पश्चात हम वो शिकायत अगर ठीक लगेगी तो हम उस कमेटी के बाद भेजेंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि जो शिकायत है वो ठीक है या गलत है। अगर वो शिकायत ठीक पाई जाती है तो उस विभाग के जो भी अधिकारी हैं या सरकार में बैठे हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको रिकमेंडेशन जाएगी कि उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये केवल जो हमारे विधायक हैं उनको कोई इग्नोर ना करे, उनका मान सम्मान, उनका प्रोटोकॉल वो मेंटेन हो, इसको लेकर के इस कमेटी का गठन किया गया। गुप्ता जी, आपने बताया कि जो विधायक चुने जाते हैं उनको कोई अधिकारी इग्नोर ना करे, इसलिए कमेटी का गठन किया गया है। तो अगर कोई अधिकारी विधायक का फोन नहीं उठाता या उचित जो काम है वो नहीं करता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और विधायक को कहाँ शिकायत करनी पड़ेगी? देखिए, मैंने बताया ना कि विधायक जो है वो विधानसभा के जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनके पास शिकायत करेगा, वो शिकायत मेरे पास आएगी और उसको देखने के पश्चात कि क्या वो शिकायत जो उचित है उसकी वेरिफिकेशन के लिए, उसकी जाँच पड़ताल के लिए वो कमेटी को हम रेफर करेंगे। कमेटी वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित विधायक हैं उनसे मिलाकर के बुला करके वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल करेगी। अगर कोई जांच पड़ताल के बाद कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो वो कमेटी जो ऑफिसर्स हैं, जो सरकार है, उनको अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी कि इस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। गुप्ता जी, जिस तरह किसी विधायक की शिकायत आती है और आप मामला कमेटी को सौंप देते हो तो कमेटी एक तय समय
सीमा के अंदर उस पर कार्रवाई करेगी? नहीं नहीं, वो लटकानी, इसीलिए ये जो कमेटी का गठन किया है कि ये लंबा मामला ना हो, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर एक या दो बैठकें करके उनकी एविडेंस लेकर के जो भी ज़रूरत है उसके पश्चात तुरंत कार्रवाई की रिपोर्ट, जो कार्रवाई की जानकारी है वो उस विभाग के अधिकारियों को दे, ताकि अधिकारी उसके ऊपर एक्शन ले सके। गुप्ता जी, आज आपने पुलिस अधिकारियों को भी बैठक ली है, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? देखिए, दो विषय जो मैं समझता हूँ कि आज जो जिला पंचकुला के राइट लाइट पॉइंट्स के ऊपर कई बार आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे हैं या बैगर्स हैं वो ट्रैफिक के बीच में खड़े होकर के बैगिंग करते हैं, आपकी गाड़ी को नॉक करते हैं। ये बैगर्स की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसको लेकर के पुलिस अधिकारियों के साथ आज बैठक की थी। दूसरा जो विषय था कि जो ट्रैफिक के कानून हैं, जो ट्रैफिक के बाइलाज हैं या ट्रैफिक के जो नियम हैं, उनका उल्लंघन पंचकुला के अंदर ना हो, उसके लिए सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि उनके चालान, ज़्यादा से ज़्यादा चालान किए जाएं, और जो चालान भी होते हैं वो किस लेवल तक जाके, जो हमारे कैमराज के अंदर चालान होते हैं, कई बार वो चालान भुगते ही नहीं जाते, एक महीने के बाद कोर्ट को वो रेफर हो जाते हैं और कोर्ट से समन आते हैं, कितनी देर में आते हैं। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए आज पुलिस के जो हमारे कमिश्नर पुलिस हैं, डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैं और एडीसी मैडम जो हैं, इनसे चर्चा हुई है और कहा है कि ये जो बैगर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी वो लेकर के सभी संबंधित विभागों से जानकारी लेकर, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या जुबिलियन बोर्ड है, कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाए, ये सारी एक रिपोर्ट बना करके वो देंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि विधायकों के मान सम्मान के लिए कमेटी गठित की गई है और कोई भी अधिकारी विधायकों को इग्नोर करता है तो विधायक शिकायत कर सकते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।